एक रागनी आपके बीच में राजा मोरध्वज के प्रसंग की रखूंगा, क्योंकि यहां दान की प्रक्रिया अभी चल रही है, सभी लोग गौ के मंदिर में दान दे रहे हैं और माता बहनें भी बैठी हैं। राजा मोरध्वज का किस्सा, जिसमें एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए अपने बेटे के मोह को त्याग कर, एक पतिव्रता स्त्री जो अपने खानदान के लिए अपने पति को मोह को त्याग कर उसके वचन को पूरा करने में सहयोग करती है, तो माता बहनें भी जरूर सुने। मौका वो कि जब 12 साल के उस मोरध्वज के लड़के ने अर्जुन को युद्ध में हरा दिया, अर्जुन इस बात को लेकर कृष्ण भगवान के पास गए और कृष्ण भगवान ने यह कह दिया कि तुझे अभिमान आ गया, तू तो कहता है कि तू मेरा सबसे बड़ा भगत है, लेकिन मैं तुझे भगत दिखाता हूं भगत कैसे होते हैं। अर्जुन को साथ ले लिया, साधु का भेष बना लिया, माया रूपी एक शेर बना के राजा मोरध्वज के द्वार पर चले गए। राजा मोरध्वज के यहां से कोई भूखा नहीं जाता था, जाकर साधुओं ने खाने की इच्छा जताई और राजा मोरध्वज से वचन भरा लिए, और वचन भराने के बाद में राजा मोरध्वज से यह कह दिया कि हम लोग खाना तब खाएंगे जब पहले हमारा शेर भोजन करेगा। तो राजा मोरध्वज ने पूछा, महाराज शेर भोजन कर लेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेहरबानो, हद तब हो गई, धरती तब फट गई कि जब कृष्ण भगवान ने यह कह दिया कि हमारा शेर भोजन तो करेगा लेकिन तेरे बेटे, इकलौते बेटे के मांस से हमारा शेर भोजन करेगा, और यह भी शर्त रख दी कि तू और तेरी रानी दोनों हाथ में आरा लेकर इस बेटे को चीरेंगे, और तीसरी शर्त में यह कह दिया कि जब बेटे को चीरा जाए तो तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं होनी चाहिए, वरना शेर मांस को नहीं खाएगा। मेहरबानो, अपने बेटे को जैसे आज यहां सभा बैठी है चीरने के लिए बैठा लिया। यूं तो इस किस्से की कई रागनियां हैं, एक रागनी आपके बीच में लेटेस्ट रखूंगा कि जब बेटे को बैठा लिया और सर पे आरा टेक लिया, एक तरफ से राजा ने खींचा, एक तरफ से रानी ने खींचा, और जब खून का फुवारा छुटकर रानी विद्याधरनी के आंचल पर गया तो चक्कर खा के गिर गई, क्योंकि इस दुद्धि से इस बेटे को दूध पिलाया था, आज खून का फुवारा वहां पड़ा है। दोनों के सम सुंदर से यहां से किस तरह का माहौल बनता है, आइए श्रीमती निशा भाटी जी भी इस रागनी मेरे साथ रहेंगी। क्या लिख दिया, क्या बताया? जब सर पे आरा और चीरे थेरा एक तरफ बेटे की मां, एक तरफ पिता आरे को खींच रहे हैं। दुनिया में ऐसा काम किसी युग में नहीं हुआ कि एक बेटा हो और मां बाप ने चीर दिया हो। जब पैनी धार वाला आरा बेटे के सर से काटता हुआ और गणित की तरफ चला, क्या हुआ, क्या लिख दिया, क्या बताया? सभी की
मिचने लगी पर जा जो रही थी देखी आपे जाया आपे ही मारा ये कैसे किस्मत के लेख आपे जाया आपे ही मारा ये कैसे किस्मत के लेख भूरी भूरी लटा थी सर पे और भूरी भूरी लटा थी सर पे जब आ रहा चलाया गया खून का फुआरा छुटा धीरे से दबाया गया फिर माँ बापा का हृदय फट गया रोया ना जिलाया गया माँ बापा का हृदय फट गया रोया ना जिलाया गया हो बहन दीना आंसू की धारा हो बहन दीना आंसू की धारा जी इलेक्ट्रॉनिक पाटन उनकी तरफ से पहले भी इनाम आया है 100 रुपए और इस रागनी पर आते मेहरबानो इस हिंदू धर्म में सबसे बड़ा एक मान और सम्मान और सबसे बड़ा जो नेक कार्य है वो दान का होता है। लिखा है कि धन चाहिए तो दान कर मुक्ति चाहे भजराम और हार्ड मास का पुतला बिना भजन किस काम। ऐसी रागनी पर जब सम्मान कोई करता है तो वो बहुत बड़ा पुण्य का अधिकारी हो जाता है क्योंकि हमारे पूर्वज थे राजा मोरध्वज राजा हरिश्चंद्र जिनकी हम औलाद हैं वो अच्छे कार्य करके गए तो आज हम उनकी गाथा गाते हैं। ये लिख दिया कि केवल 12-14 साल की आयु में नाड़ नीची करके अपने पिता के वचन के लिए वो तामर ध्वज वो धीर ध्वज बैठ गया राजा और रानी ने आरा चला दिया लेकिन यहां तक आरा गया अपने बेटे की फाड़ देखकर खून देखकर विद्याधरणी को चक्कर आ जाते हैं गिर जाती है। क्या कहानी हुई क्या बताया बहुत बढ़िया गुरु जी। चीरे दिया फिर बंद होगी सांस चक्कर खा के गिर गई रानी गर्भ में रखा नो मास चक्कर खा के गिर गई रानी गर्भ में रखा नो मास हाथ पकड़ के मोर धवज ने विद्याधर निकाली फेरी गले में फंसा है आरा रहनी मत न करियो देरी काट दे बेटे नरी रानी इन संतों का जिमा दे शेर हो काट दे बेटे नरी रानी संतों का जिमा दे शेर हो ये सुत अब राया ना हमारा हो ये सुत अब राया ना हमारा चलते चलते आरा
धीर धज के गले तक आ गया, प्राण पखेरे उड़ गए। उधर विद्याधरनी चक्कर खा के गिर गई, कृष्ण भगवान की तरफ देखा, कृष्ण भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। मेहरबानो, पहला ऐसा मौका कि कृष्ण भगवान रोने लगे और माता जी की तरफ से ये 100 रुपए इस रागिनी पर मैं नतमस्तक होता हूं, क्योंकि इसमें बड़ा बहुत बड़ा सहयोग है। मैंने पहले बता दिया था कि जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति के सुख में सुख और दुख में दुख ढूंढती है। पतिव्रता स्त्री जो यमराज से अपने पति को वापस ला सकती है, पतिव्रता स्त्री जो अपने बेटे को चीर सकती है अपने पति के लिए। मेहरबानो, चक्कर खा के गिर गई तो राजा मूर्धज ने उठा लिया और यूं कह दिया कि अब तो मिट्टी रह गया, अब तो इसे कम से कम शेर का भोजन बना दे, इसकी दो फाड़ कर दे। क्या कहानी बनती है आगे, क्या लिखा, क्या बताया। बहुत बढ़िया गुरु जी। तिखे फेरे आरा खींच खींच के, फेरे आरा खींच खींच के, काटन लगे माँ और बाप, मोर ध्वज ने सच्चे दिल से कृष्ण जी का करा जापे। जग पर लैसी होगी रे भाई कृष्ण जी का एक खुद काप, जग पर लैसी होगी रे भाई कृष्ण जी का एक खुद काप। कटे लाल के सरने माता, बेटा बेटा कह कर रोई फिर मूर्छा आने लगी, ओ बेटा बेटा कह कर रोई फिर मूर्छा आने लगी। हो नाश हो साधु थारा, हो नाश हो साधु थारा, फिर गोदी में ठाने लगी, शेर को ना खावन दूंगी छाती से लगाने लगी, और बेटा बेटा कह के रोई फिर मूर्छा आने लगी, आने लगी। मेहरबानो, एक कहानी और जन्म ले गई, बेटे के दो फाड़ कर दिए, एक फाड़ को राजा मूर्धज अपनी छाती से लगा के खड़ा हुआ है और आधे शरीर को विद्याधरनी मां ने अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन यूं कह दिया, बेटे को चीर दिया, कुर्बानी दे दी, लेकिन शेर को खाने नहीं दूंगी। इस बात को सुनकर पृथ्वी लोक नहीं आसमान में भी हलचल मच गई, क्योंकि जब बेटे को चीर दिया मार दिया, अगर शेर को भोजन नहीं मिला तो राजा मूर्धज वचनहार हो जाते हैं, और राजा मूर्धज अगर वचनहार हो गए तो रतनपुरी की साख को धब्बा लग जाएगा, और वो छत्री राजा जिसके यहां से कोई भूखा नहीं गया, वचन हार नहीं हुआ, उसका वचन फेल हो जाएगा। कृष्ण भगवान खड़े होकर उस मां के पास पहुंचे, यूं कह दिया, अरे विद्याधरनी, जब बेटे को चीर दिया तो शेर का भोजन क्यों नहीं बनने दे रही। मेहरबानो, उस पतिव्रता ने यह कह दिया कि हिंदू धर्म में जब तक पार्थिव शरीर को अग्नि ना दी जाए मुक्ति नहीं मिलती। अगर मैंने अपने बेटे के शरीर को शेर का भोजन बना दिया, न जाने कितने जन्मों तक मेरी बेटे की आत्मा यूं ही तड़फती रहेगी, और ये मां ऐसा नहीं होने देना चाहती। चौथी कली में कवि ने क्या लिखा, क्या बताया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु जी। तक भी खेली कोना बड़के आई सुत की भली कंगना तक भी खेली कोना बड़के आई सुत की भली। एक तड़को राजा अपनी छाती तह लगा के रोया मुंह से बोल लिकड़ा कोना हाथ ते कटा सुत डोया गौतम पाटी खूब रोले आसन ते लिखाना दोया गौतम पाटी खूब रोले आसन ते लिखाना दोया। हो प्रेम कहाँ मिलेगा दोबारा हो प्रेम कहाँ मिलेगा दोबारा जोरदार ताली, जोरदार ताली।